करने वाले हैं बात आप सबके साथ अनिरुद्ध दवे को लेकर। जी हाँ, पटियाला बेब्स में आप सब ने अनिरुद्ध दवे को हनुमान सिंह के किरदार में देखा था, जिन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था और परिधि शर्मा के अपोजिट नजर आए थे मेनली डायरेक्टर के तौर पर। उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, कोरोना की बीमारी से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वक्त वो आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि अनिरुद्ध दवे की जिंदगी से जुड़ा आज एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हम करने वाले हैं हमारी इस रिपोर्ट में, जिसे जानने के बाद आप सब काफी हैरान होंगे। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अनिरुद्ध दवे इंडियन टेलीविजन के फेमस एक्टर हैं। अनिरुद्ध दवे ने अमेजन टीवी के सीरियल राजकुमार आर्यन से अपने एक्टिंग की दुनिया में शुरुआत की थी। इसके बाद अनिरुद्ध दवे ने सीरियल वो रहने वाली महलों की देवेन की में की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। बता दे कि अनिरुद्ध दवे सीरियल मेरा नाम करेगी रोशन में राजवीर के किरदार में नजर आए थे और सीरियल पुलवा में लखिया के किरदार में। इसके अलावा बात की जाए तो यारों का टशन में भी नजर आए थे, जिसमें इन्होंने यारों का किरदार निभाया था। बता दे कि अनिरुद्ध दवे ने साल 2016 में हिंदी फिल्म शोरगुल से एक्टिंग की थी। उन्होंने सोनी टीवी के सीरियल पटियाला बेब्स में इंस्पेक्टर हनुमान सिंह का किरदार निभाया था। अनिरुद्ध का ये किरदार फैंस को काफी पसंद आया था और इंस्पेक्टर के लुक में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे अनिरुद्ध दवे। बता दें कि अनिरुद्ध दवे का जन्म 21 जुलाई सन 1986 को देहरादून में हुआ था। अनिरुद्ध राजस्थान के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि अनिरुद्ध दवे की एक बड़ी बहन है, उनके माता पिता जयपुर में शिक्षा विभाग में है और अनिरुद्ध दवे ने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है। अनिरुद्ध दवे कंप्यूटर एप्लीकेशन में राजस्थान कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है और बचपन से ही अनिरुद्ध दवे एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद अनिरुद्ध ने दिल्ली जाने का फैसला किया था और वहां जाकर उन्होंने राशुमन, हाय मेरा दिल, मैन विदाउट शेडो, जात ना पूछो, साधु विजय तेंदुलकर जैसे फेमस सीरियल्स में एक्टिंग करना शुरू किया। आपको बता दें कि अनिरुद्ध दवे हमेशा से दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की फैकल्टी के साथ कांटेक्ट में रहते थे और उस मंच पर कई नाटकों में उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। साल 2000 में अनिरुद्ध को एक्टिंग और थिएटर से जुड़े लोगों के लिए के आर नारायण द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अनिरुद्ध दवे ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। अनिरुद्ध दवे ने सबसे पहले अमेजन टीवी के सीरियल राजकुमार आर्यन में मुख्य किरदार निभाया था। इस सीरियल में उनके किरदार का नाम राजकुमार आर्यन ही था। इस सीरियल के बाद अनिरुद्ध दवे ने साल 2009 में वो रहने वाली महलों की में काम किया था। इस सीरियल में उनका किरदार देवेन उर्फ देव था और इसी सीरियल को सहारा वन में टेलीकास्ट किया गया था। साल 2016 में अनिरुद्ध दवे ने जी टीवी सीरियल मेरा नाम करेगी रोशन में रोशन का किरदार निभाया था और इस सीरियल के किरदार का नाम राजवीर था। साल 2011 में अनिरुद्ध ने कलर्स टीवी के सीरियल फुलवा में लखिया का किरदार निभाया था और इस सीरियल के साथ सरगुन मेहता भी मुख्य किरदार में नजर आई थी। साल 2011 में स्टार प्लस के सीरियल रुक जाना नहीं में एक बार फिर से अनिरुद्ध दवे ने अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाया। इस सीरियल में अनिरुद्ध दवे ने हिंदू सिंह का किरदार निभाया था। इस सीरियल में अनिरुद्ध दवे के साथ पूजा शर्मा मेनली एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। साल 2012 में रुक जाना नहीं को अलविदा कहकर जी टीवी के सीरियल आज की हाउसवाइफ है सब जानती है एक्ट्रेस सुहासी गोजिया धामी के साथ अपोजिट किरदार में अनिरुद्ध दवे काम करते हुए नजर आए थे। इस सीरियल में अनिरुद्ध दवे का नाम कन्हैया चतुर्वेदी था। साल 2014 में एक बार फिर से अनिरुद्ध दवे ने जी टीवी के सीरियल बंधन में एक्टिंग की। इस सीरियल में अनिरुद्ध का नाम देव प्रताप पाटिल था। इस सीरियल को सितंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक टीवी में टेलीकास्ट किया गया था। अनिरुद्ध के साथ इस सीरियल में भानुजीत सूदन और छवि पांडे भी
मेन लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। 2015 में सब टीवी के सीरियल यम है हम में भी अनिरुद्ध दवे ने काफी बेहतरीन काम किया है। इस सीरियल में अनिरुद्ध दवे भैया जी के किरदार में नजर आए थे। इसी साल अनिरुद्ध दवे ने सोनी टीवी के सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में शिशुपाल का किरदार निभाया था। 2016 में सीरियल को अलविदा कहने के बाद अनिरुद्ध दवे ने टीवी के सीरियल यारो का टशन में एक रोबोट जिसका नाम यारो होता है उसका किरदार निभाया था। इस सीरियल को सब टीवी पर जुलाई 2016 से मई 2017 तक टेलीकास्ट किया गया था। एपिसोड की बात करें तो इस सीरियल के कुल 214 एपिसोड्स ही टीवी पर टेलीकास्ट किए गए थे। 2016 में आर्य के शो आई डोंट वॉच टीवी में पार्टिसिपेट किया था। 2018 में अनिरुद्ध ने सोनी टीवी के सीरियल पटियाला बेब्स में एक्टिंग की थी। इस सीरियल में अनिरुद्ध दवे ने इंस्पेक्टर हनुमान सिंह का किरदार निभाया था। इस सीरियल को नवंबर 2018 में टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और इस सीरियल में इंस्पेक्टर वाले किरदार में अनिरुद्ध दवे को फैंस ने काफ़ी प्यार दिया था। अनिरुद्ध दवे के फिल्मों की सफर की अगर बात की जाए तो साल 2009 में बॉलीवुड की फिल्म से डेब्यू किया था अनिरुद्ध दवे ने। अनिरुद्ध की सबसे पहली फिल्म तेरे संग थी। इस फिल्म में अनिरुद्ध दवे का छोटा सा किरदार था। इसके बाद 2016 में एक बार फिर फिल्मों की दुनिया में अनिरुद्ध दवे ने वापसी की थी और इस फिल्म में इस बार अनिरुद्ध दवे हिंदी फिल्म शोरगुल में देखे गए थे और इस फिल्म में उनका किरदार रघुन के नाम का था। इस फिल्म में अनिरुद्ध दवे के साथ आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, सुहागजन, हितेन तिवारी मुख्य लीड एक्टर में नजर आए थे। 2019 में एक बार फिर से अनिरुद्ध दवे फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म में अनिरुद्ध दवे विकास के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद अनिरुद्ध दवे ने हिंदी फिल्म प्रणाम में भी उन्हें देखा गया था। इस फिल्म में अर्जुन का किरदार अनिरुद्ध दवे ने निभाया था। अनिरुद्ध दवे को अपनी एक्टिंग के लिए बदौलत फिल्मी करियर में बेस्ट डेब्यू एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। अनिरुद्ध दवे की लव लाइफ के बारे में बात करें तो अनिरुद्ध दवे ने अपनी गर्लफ्रेंड शुभी आहूजा से नवंबर 2015 में शादी कर ली थी। दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से डेट कर रहे थे अनिरुद्ध को, जिसके बाद अनिरुद्ध दवे ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही शादी करने का फैसला ले लिया था। बता दें कि अनिरुद्ध दवे काफी अच्छे एक्टर है। अनिरुद्ध दवे 2 महीने पहले ही पिता बने थे। उनका 2 महीने का छोटा सा बच्चा है और ऐसे में अनिरुद्ध दवे की कोरोना के चपेट में आने के बाद हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो भोपाल के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और ऐसे में उनकी पत्नी उनके पास पहुंच चुकी है जो अपने पति अनिरुद्ध दवे का पूरा ख्याल रख रही है। अनिरुद्ध दवे की पत्नी शुभी आहूजा ने भी अपने बेटे 2 महीने के बेटे को छोड़कर परिवार के पास छोड़कर अपने पति अनिरुद्ध दवे का ख्याल रखने उनके पास पहुंची है, जहां पर उन्होंने दरख्वास्त की है अनिरुद्ध दवे के फैंस से हाथ जोड़कर कि सभी फैंस दुआ करें और प्रार्थना करें कि अनिरुद्ध दवे ठीक हो जाएं क्योंकि उनका 2 महीने का बच्चा उन्हें बुला रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से अनिरुद्ध दवे ने अपनी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल की है, कितने सारे सीरियल्स में काम किया है, 2 बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है। इतनी स्ट्रगल के बाद अनिरुद्ध दवे यहां तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार कोरोना बीमारी की चपेट में आ गए अनिरुद्ध और उन्हें जरूरत है इस वक्त आप सभी की दुआओं की। तो दुआएं कीजिए अनिरुद्ध दवे के लिए, प्रार्थना कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट नाइन लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।